प्राचीन ग्रीस में सिरदर्द कष्ट माना जाता था। पीड़ित चिकित्सा के देवता एस्क्लेपियस से राहत के लिए प्रार्थना करते थे, और यदि दर्द जारी रहता है तो एक चिकित्सक सबसे प्रसिद्ध उपाय करते, कथित रूप से इन्फेक्टेड खून को निकालने के लिए खोपड़ी में एक छोटा सा छेद करना। ये भयानक तकनीक, जिसे ट्रेपिनेशन कहा जाता है, अक्सर सरदर्द को अधिक स्थायी स्थिति में बदल देती है। सौभाग्य से आज डॉक्टर सिरदर्द को ठीक करने के लिए पावर टूल्स का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन हमें अभी भी इस प्राचीन बीमारी के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज हमने सिरदर्द को दो श्रेणियों में बांट दिया है, प्राथमिक सिरदर्द और द्वितीयक सिरदर्द। पहले वाले किसी अंतर्निहित बीमारी, चोट या स्थिति के लक्षण नहीं है, वे स्थितियां हैं। हम एक मिनट में उन पर वापस आएंगे, क्योंकि प्राथमिक सिरदर्द रिपोर्ट किए गए मामलों में से 50% है, पर असल में हम माध्यमिक सिरदर्द के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। ये अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होते हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन और कैफीन विड्रॉल से लेकर सिर और गर्दन की चोट और हृदय रोग तक शामिल है। डॉक्टरों ने 150 से अधिक निदान योग्य प्रकारों को वर्गीकृत किया है, सभी अलग अलग संभावित कारणों, लक्षणों और उपचारों के साथ। लेकिन हम उदाहरण के तौर पर केवल एक सामान्य मामला, साइनस संक्रमण लेंगे। साइनस गुहाओं की एक प्रणाली है जो हमारे माथे, नाक और ऊपरी गालों के पीछे फैली होती है। जब हमारे साइनस संक्रमित होते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उस क्षेत्र को गर्म कर बैक्टीरिया को भूनती है और गुहाओं को आम आकार से सुजा देती है। उभरे हुए साइनस कपाल, धमनियों और नसों के साथ साथ गर्दन और सिर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं। वहां नोसीसेप्टर नामक दर्द रिसेप्टर प्रतिक्रिया में ट्रिगर हो दिमाग को न्यूरोपेप्टाइड्स की बाढ़ छेड़ने का संकेत देते हैं, जो कपाल रक्त वाहिकाओं को उत्तेजित करते हैं, सूजन करते हैं और सिर को गर्म करते हैं। यह असुविधा अति संवेदनशील सिर की मांसपेशियों के साथ मिलकर सिरदर्द का दर्दनाक धड़कता हुआ दर्द पैदा करती है। सिरदर्द का सारा दर्द सूजन से नहीं होता। तनावग्रस्त मांसपेशियां और सूजी हुई संवेदनशील नसें प्रत्येक सिरदर्द में अलग अलग स्तर की असुविधा का कारण बनती है, लेकिन सभी मामले किसी कपालीय उत्तेजना की प्रतिक्रिया है। जबकि द्वितीयक सिरदर्द में कारण स्पष्ट है, प्राथमिक सिरदर्द की उत्पत्ति अज्ञात रहती है। वैज्ञानिक अभी भी तीन प्रकार के प्राथमिक सिरदर्द के संभावित ट्रिगर की जांच कर रहे हैं। आवर्ती, लंबे समय तक चलने वाला माइग्रेन, अत्यधिक दर्दनाक, तेजी से बढ़ने वाला क्लस्टर सिरदर्द और सबसे आम तनाव सिरदर्द। जैसा कि नाम से पता चलता है, तनाव सिरदर्द सिर के चारों ओर एक तंग पट्टी के दबने की अनुभूति पैदा करने के लिए जाना जाता है। ये सिरदर्द पेरिक्रेनियल मांसपेशियों की कोमलता को बढ़ाते हैं, जो तब रक्त और ऑक्सीजन के साथ दर्द से स्पंदित होती हैं। मरीज तनाव, निर्जलीकरण और हार्मोन परिवर्तन को ट्रिगर के रूप में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये लक्षणों से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए, डिहाइड्रेशन सिरदर्द में ललाट लोब वास्तव में खोपड़ी से दूर सिकुड़ जाता है, जिससे माथे में सूजन हो जाती है, जो तनाव सिरदर्द में दर्द के स्थान से मेल नहीं खाती है। वैज्ञानिकों के असल कारण के बारे में सिद्धांत हैं, जिनमें रक्त वाहिकाओं में ऐंठन से बेहद संवेदनशील नोसीसेप्टर तक शामिल हैं, लेकिन कोई भी पक्का नहीं है। इस बीच अधिकांश सिरदर्द अनुसंधान अधिक गंभीर प्राथमिक सिरदर्द पर केंद्रित है। माइग्रेन आवर्ती सिरदर्द है, जो खोपड़ी पर एक उल्टी जैसी सनसनी पैदा करता है, जो 4 घंटे से 3 दिनों तक रह सकता है। 20% मामलों में ये हमले इतने तीव्र होते हैं कि मस्तिष्क पर विद्युत ऊर्जा का बोझ डाल देते हैं, जो संवेदी तंत्रिका अंत को अत्यधिक उत्तेजित कर देता है। इससे मतिभ्रम पैदा होता है, जिसे ऑरस कहा जाता है, जिसमें चमकती रोशनी और ज्यामितीय पैटर्न देखना और झुंझुनी संवेदनाओं का अनुभव करना शामिल हो सकता है। क्लस्टर सिरदर्द एक अन्य प्राथमिक सिरदर्द प्रकार है, जिसके कारण एक आंख के पीछे जलन, तेज दर्द होता है, जिससे आंख लाल हो जाती है, पुतली सिकुड़ जाती है और पलक गिर जाती है। इन स्थितियों के बारे में क्या, जो कई लोगों के जीवन गुणवत्ता बेहद प्रभावित करती है? तनाव सिरदर्द और अधिकांश माध्यमिक मामलों का इलाज ओवर द काउंटर दर्द दवाओं से किया जा सकता है, जैसे सूजन रोधी दवाएं, जो कपाल की सूजन को कम करती हैं, और कई द्वितीयक सिरदर्द ट्रिगर, जैसे डिहाइड्रेशन, आंखों पर जोर और तनाव से सक्रिय रूप से बचा जा सकता है। माइग्रेन और क्लस्टर सिरदर्द अधिक जटिल हैं, और हमने अभी तक विश्वसनीय उपचार नहीं खोजे हैं जो सभी के लिए काम करते हों। लेकिन शुक्र है कि फार्माकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट इन गंभीर रहस्यों को सुलझाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग पर इतना भारी बोझ डालते हैं।
टेडेड यथासंभव अधिक से अधिक भाषाओं में अधिक से अधिक लोगों के लिए मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री लाने के लिए काम कर रहा है। हमारे पेट्रन को दान करके हमारे गैर लाभकारी मिशन का समर्थन करने में मदद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।